दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं एक आसाम में मोहनवाड़ी जगह है, वहाँ एक फार्म है गाय का, छोटा सा फार्म है। ये फार्म थोड़ा बड़ा था पहले, लेकिन धीरे धीरे बंद होने के कगार पे पहुंच गया है। इसमें अब इनका एज भी नहीं बचा है और बच्चे लोग इनको सपोर्ट भी नहीं है, ना के बराबर करते हैं, इसलिए फार्म अच्छे ढंग से अभी मैनेज नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? राम शरण सिंह। आप यहीं से हैं या पहले घर आपका कहीं और था? नहीं, हमारा मतलब जन्म खाली बिहार का है। अच्छा। और रहते हैं हम मोहनवाड़ी में बचपन से। आपके पूर्वज कहाँ थे पहले? पहले बिहार में थे। बिहार में कहाँ? आरा जिला के हैं राम शरण सिंह। टाइटल है इनका शरण सिंह। तो आपने फार्म, मतलब गाय का फार्म करने के लिए कब से सोचा कि ऐसा गाय फार्म होना चाहिए? बहुत पहले? हाँ, बहुत पहले, मतलब हम राजमिस्त्री कर रहा था, एक आदमी ने हमको बोला कि ऐसा माफी गाय एक ठो ले लो। एक गाय से जो है हम इतना गाय किया, लड़का बच्चा को पालदारी किया, मतलब सब बच्चे को भी पढ़ाया। हाँ, इसी से बच्चे लोग को भी पढ़ाया सब। हाँ, सब कुछ इसी से, दूधे के कारोबार से हमारा सब कुछ, दूधे के कारोबार से सब चलता। हाँ, सब। तो आपने वहाँ से मन में ठान लिया कि मुझे ये काम करना? हाँ, हम पहले एक गाय रखा, एक गाय से हम ठान लिया कि हमारा लड़का बच्चा को पलदारी ऐसा नहीं होगा, एक आदमी की कमी नहीं होगा। हम सोचा कि चलो भाई एक तो गाय रखेगा, एक गाय से हम इतना गाय खरीद के बढ़ती किया है। अच्छा, तो गाय तो पहले बहुत ज़्यादा थी। इधर अंदर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, तो ऐसा हुआ कि हमको थोड़ा इधर में प्रॉब्लम हो गया कि हमारा शरीर ठीक नहीं है। हाँ, और लड़का बच्चा लोग आजकल उतना खटने नहीं खोजता है। अच्छे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा। इसीलिए जो है गुरु जो है ऐसा कम होता चला गया। तो एक इनका परेशानी था, इनका एज धीरे धीरे ढल गया। हाँ। और इनके बच्चे लोग इस काम में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इस काम में सहयोग नहीं दिया। हाँ। क्योंकि एक अच्छे स्तर का वर्क है, अगर ठीक ढंग से किया जाए तो पैसे की कमी ये सबसे ज़्यादा दूर कर सकता है। दूध एक ऐसा चीज़ है जो 100 प्रोडक्ट बनते हैं, 100 तरह के आइटम बनते हैं। हाँ। और ऐसे डायरेक्ट भी बिक जाता है। हाँ। और तुरंत कैश पैसा मिलता है। हाँ। बाबा, आगे क्या करना चाहते हैं? 10-5 साल आप कर लेंगे या फिर इसको? अब देखे बाबू, हमारा तो अब शरीर तो काम नहीं करता है। अब लड़का लोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वही लोग के ऊपर की बात है। अच्छा। हाँ। तो आप इस उम्र में भी इतनी, कितने साल एज हो गया हुआ? हमारा हो गया आपको 67 हो गया। 67 साल के हैं और डेयरी फार्मिंग में। हाँ। इनका इंटरेस्ट है, इनका मन में जो भाव है वही आज भी जीवित रखा। हाँ। 67 साल के कुंवर सिंह के माफिक अपना इसमें योगदान दे रहे हैं। हाँ। लड़ रहे हैं डेयरी। हाँ। फार्मिंग में। अच्छा, एक गाय आपकी घर की है? हाँ, ये सब हमारा घर का है। कितना लीटर दूध देती है? ये दोनों टाइम मिला के आपको 10 लीटर दूध है। दोनों टाइम मिला करके इसका 10 लीटर दूध है। हाँ। अच्छा। और खाना पीना में क्या हरा घास देते हैं सिर्फ? घास देता है या चापड़? चापड़ मतलब खल। हाँ, खल। कौन सा खल देते हैं? गेहूँ का। गेहूँ का चापड़ मतलब? अच्छा, दर्रा देते हैं। हाँ। अच्छा, सरसों राई तीसी ये सब का खल नहीं? नहीं बाबू, नहीं देते। अच्छा, और क्या क्या देते हैं? बस यही देते हैं और कुछ नहीं, घास और चापड़ दरिया यही सब देते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ये सब आप देते हैं गायों को। क्यों? अच्छा, इससे आगे आप हमें ये बताएं कि ये जो गायें हैं, आपका फार्म तो एक छोटा सा था, इसका वीडियो हमने पहले भी बनाया था। हाँ। और ये देख सकते हैं इनके पास थोड़ी कमजोर हो गई है गाय। कितने लीटर दूध देता है? यही 10-15 लीटर दूध। हाँ। देने वाली ये भी है। हाँ। और फिर भी अच्छी नस्ल की गाय है। इनको अगर थोड़ा सा और अगर किया जाए तो ये बहुत अच्छे दूध दे सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आपका मैनेजमेंट थोड़ा कमजोर हो गया? हाँ जी। इसका और कुछ जैसे सर्दियों में आंवला खिलाना है या गाय को जो है हल्दी देना है दाना में मिक्स करके? हाँ, ये सब नहीं करते? नहीं नहीं बाबू, ये सब हम नहीं करते। अच्छा, क्योंकि ये सब नहीं करते हैं। इसका साफ सफाई धुलाई? हाँ। तो कितने दिनों में करते हैं? नहीं, 2-3 दिन में हम करते रहते। 2-3 दिन में करते? हाँ। आप वो मोटर लगा रखे हैं? हाँ। डेली 5 मिनट चला के इसको सफाई करते? हाँ, नहीं, ठंडा का, गर्म का दिन में तो डेली धोते थे। हाँ। अभी ठंडा का मौसम है बोल के जो है आपको 2 दिन प्रतिदिन धोते हैं। धोने से वो ठंडा नहीं होगा। हाँ। आप डेली सफाई करिए और थोड़ा 10 मिनट के लिए गाय अगर अलग जगह बांध देंगे तो सूख भी जाएगा। तो नहीं बाबू, हमारा जगह ही नहीं, इनके पास जगह की जगह नहीं है, जगह नहीं है। अच्छा, तो ये इनकी गाय है। कितने लीटर दूध देती है वो? वही 10-15 लीटर। थोड़ी गाय कमजोर है।
थोड़ा सा इनको कैल्शियम मिनरल की कमी दिख रहा है, तो आप इनके लिए एक काम करिए, कुछ कैल्शियम बनाइए, जो चूना आता है चूना का कैल्शियम बना लीजिए। चूना जो चूना नहीं आता इसे ढेला वाला, हाँ हाँ हाँ, उस चूने को क्या करिएगा कि 2.5 किलो चूना लेके 5 किलो पानी डाल दीजिए। अच्छा। और आधा घंटा में सारा पनिया घींच लेता है वो। हाँ। फिर उसमें 20 लीटर पानी डाल दीजिए। अच्छा। और फिर 30 घंटा बाद, हाँ, चुनवा के 1 इंच ऊपर से सारा पनिया निकाल लीजिएगा। अच्छा। और उसको गैलन में भर लीजिए। हाँ। और 100 ग्राम जो पनिया पीता है गैया उसमें डाल दीजिएगा। हाँ। तो इनको कैल्शियम पूरा हो जाएगा, तो ये दूध भी ज्यादा देगी बहुत। अच्छा, समझ गए। हाँ। ये करिएगा। इससे पहले हम आपका वीडियो बनाए थे, हाँ, सबसे पहले आज से करीब साल भर हो गया, 1.5 साल पहले। हाँ। तो आपने बहुत अच्छी तरह से, हाँ, आपने बात को रखा। उस समय हमारा शरीर भी रहा, हाँ, उस समय शरीर रहा, घास भूसा की कमी नहीं होता रहा। अभी तो बच्चे लोग के ऊपर का बात है, अभी बच्चे, हाँ, अभी हम खुद चलने नहीं सकता है बाबू। बिल्कुल। हाँ। ये इनका फार्म है और आप इनके सपोर्ट करते हैं, वो उनका काम में देखिए सपोर्ट करते हैं बेचारे। और आपका नाम क्या हुआ? जीतन। आपको काम करके कैसा महसूस होता है, खुशी मिलता है? अच्छा, इनको खुशी मिलता है। ये गाय के बच्चे हैं जो क्रॉस ब्रीड के बहुत अच्छे हैं, तैयार हो रहे हैं। इनको अगर अच्छी से देखभाल किया जाए तो ये बहुत बड़े बदलाव के कारण बनेंगे। ये गाय हैं, देखिए कितनी सुंदर गाय हैं, और बहुत ही मतलब प्यारे गाय हैं जो इंसान से जुड़े रहते हैं और सिर्फ प्यार ढूंढते हैं। देख सकते हैं आप कितने प्यार से पीछे आ रहे हैं, तो कितने सुंदर हैं ये इनके सोच। और बाबा, इसमें अब आगे भविष्य नहीं दिख रहा मतलब काम? नहीं बाबा, अब तो हमारा कोई नहीं, अब लड़का लोग का भविष्य, लड़के लोग जाने। अच्छा, आपका भविष्य नहीं है? नहीं।